दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध औषधि हिंगमाष्टक चूर्ण के बारे में, जो गैस के लिए रामबाण औषधि है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत खट्टे, मीठे, चरपरे तथा ज़्यादा से ज़्यादा तली भुनी तथा तैली एवं गर्म मसाले युक्त भोजन का अधिक सेवन करने से एवं कुछ समय भोजन आदि के कारण तथा कब्ज के कारण पेट में गैस बन जाता है, जिसके निवारण हेतु एक बहुत ही सुप्रसिद्ध योग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो पेट की गैस दूर करने के लिए एक रामबाण औषधि है। वह है हिंगमाष्टक चूर्ण। तो मैं आपको हिंगमाष्टक चूर्ण बनाने की विधि बता रहा हूँ और इसके घटकों के बारे में बता रहा हूँ। इसे बनाने के लिए सौंठ, मिर्च, पीपल, अजवाइन, सेंधा नमक, सफ़ेद जीरा एवं काला जीरा, इन सातों दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण कर लें। उसके बाद घी में भुनी हुई हींग का चूर्ण एक घटक द्रव्य का आठवां भाग लेकर चूर्ण में मिलाकर रख लें। मात्रा एवं अनुपान, 3-3 ग्राम चूर्ण गर्म जल के साथ सुबह शाम दें। गुण और उपयोग, इस चूर्ण को भोजन के समय प्रथम ग्रास में घी मिलाकर खाने से भोजन आराम से पच जाता है और खुलकर भूख लगती है तथा वात रोगों का नाश होता है। इससे वात प्रधान मंदाग्न अच्छी हो जाती है, पेट में जमा हुआ गैस बाहर निकल जाता है, खट्टी डकारे आना आराम हो जाती है, भूख न लगना तथा अजीर्ण हो जाने की यह उत्तम औषधि है। यह एक उत्तम पाचक औषधि है। अजीर्ण, पेट फूलना, पेट में गैस हो जाना, पेट में दर्द होना तथा कुपचन होकर दस्त होना आदि रोगों में यह चूर्ण 3 ग्राम शंख भस्म 500 mg के साथ देने से बहुत शीघ्र लाभ करता है। जिनका भोजन अच्छी तरह न पचता हो तथा भोजन के बाद पेट में दर्द होता हो, उनके लिए यह एक श्रेष्ठ औषधि है।